ओके सो कॉन्सेप्ट वन स्टार्ट हो रहा है विच इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा. कॉन्सेप्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा. ओके और कॉन्सेप्ट वन का दो पार्ट्स है. वन पार्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज. आपको याद है ना बोर्ड वर्क कॉपी करना है. ऑर्गेनाइजिंग डेटा में दो पार्ट्स है, प्लीज कॉपी कर लीजिए. लेफ्ट साइड में डेटा, राइट साइड में समराइजिंग डेटा. लेफ्ट साइड में डेटा और राइट साइड में समराइजिंग डेटा. डेटा एंड समराइजिंग डेटा. इज द ऑडियो एंड द वीडियो फाइन? प्लीज रिप्लाई. ऑडियो वीडियो फाइन है क्या? मैं इंडिविजुअल नेम नहीं लूंगा. इज द ऑडियो एंड द वीडियो फाइन? यस इट इज फाइन. तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का फाइन नहीं है आई कैन नॉट हेल्प. ठीक है ना? ओके तो प्लीज कॉपी कर लीजिएगा. ऑर्गेनाइजिंग डेटा में दो सेक्शंस है. वन इज डेटा, द अदर इज समराइजिंग डेटा. ओके चैप्टर कॉन्सेप्ट वन का आउटलाइन दे रहा हूं. अब समराइजिंग डेटा जो है उसके अंदर दो पार्ट है. वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर इज कंटिंजेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिंजेंसी टेबल. इसको बोलते हैं वन वे, इसको बोलते हैं टू वे. वन वे टू वे. ओके तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में ऑल टुगेदर चार एलओएस है. वन एलओएस टॉक्स अबाउट डेटा, कितने टाइप का डेटा होता है, द टाइप्स ऑफ डेटा. सेकेंड एलओएस इज सुपरफिशियल, इट टॉक्स अबाउट अ वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल टेबल. आई थिंक दैट इज स्किपेबल, ऐसे लिप सर्विस है. फिर एलओएस सी इज ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काम का. एलओएस डी इज ऑन कंटिंजेंसी टेबल. ओके सो दिस इज वॉट वी हैव. ओके नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली प्लीज. मैं बहुत सीक्वेंशियली नहीं जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू गो आगे पीछे करके जस्ट टू मेंटेन द इंटरेस्ट. कोविड का जो टेस्ट है, कोविड का टेस्ट क्या वो डिसाइसिव कंक्लूजन देता है कि आपके कोविड है या नहीं है, या फिर टेस्ट गलती भी होता है टेस्ट का रिजल्ट्स. कोविड का टेस्ट जो है क्या वो एकदम एक्यूरेट होता है या गलत भी होता है? यस प्लीज यू कैन रिप्लाई. आई विल नॉट बी टेकिंग नेम बट आई एम सीइंग यू ऑन द स्क्रीन. काफी बार गलत होता है. ओके वी नो डेट गलत भी होता है. तो एक तरह से बोल सकते हैं कोविड का जो टेस्ट है वो एक प्रेडिक्टिव क्लासिफिकेशन मॉडल है. सो आई एम राइटिंग कोविड टेस्ट इज अ प्रेडिक्टिव क्लासिफिकेशन मॉडल. मैंने वर्ड यूज किया यहां पे मॉडल. ठीक है, प्रेडिक्टिव मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल. ओके आई टेक माई टाइम बिकॉज अगर मैं नॉर्मली स्टार्ट करूंगा ना डेटा चार तरह के होते हैं बच्चों, तो इन दैट केस बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो आई एम स्टार्टिंग इट इन अ वेरी हैपजर्ड मैनर सच दैट अल्टीमेटली जो कवर करना है वो करा दूंगा. ठीक है ना? तो प्रेडिक्टिव मॉडल है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इस पर्सन के कोविड है कि नहीं है. प्रेडिक्शन तो और भी चीजों का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का क्या होगा नेक्स्ट ईयर, वो भी तो एक प्रेडिक्टिव मॉडल है. अगर एक मॉडल बनाएंगे टू प्रेडिक्ट द ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर, बट वो क्लासिफिकेशन नहीं हुआ ना,
वो तो एक तरह से ग्रोथ रेट एग्जैक्ट नंबर निकाल रहा है कि क्या होगा। और यहाँ पे ये जो मॉडल है वो केवल बताने वाला है इस बंदे के कोविड है या इस बंदे कोविड नहीं है, माने टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है या टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला क्लासिफिकेशन मॉडल। व्हाट इज अ मॉडल? अ मॉडल इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ओके, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टन वेरिएबल्स। और मॉडल को डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई LOS है, पर मैं इतना मॉडल्स का एग्जाम्पल लूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा मॉडल्स क्या होता है। समझना जरूरी है रैदर उसको डिफाइन करना, ठीक है। वी आर नॉट इन अ बीकॉम एग्जामिनेशन, और खैर व्हाट इज अ मॉडल का कोई LOS भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई वाज वांटिंग टू से इज दैट, आपको क्या लगता है कोविड का जो टेस्ट होता है वो बड़े, वो टेस्ट जो है वो चेक करता होगा टेम्परेचर, वो चेक करता होगा कफ लेवल्स क्या है अपने बॉडी में, एंड आई डोंट नो, मतलब मैं मेडिकली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो देर में भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो जाते होंगे कंक्लूड करने में कि इस पर्सन के कोविड है या नहीं, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो आई मीन टू से वाई इज इक्वल टू कुछ बी जीरो प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस डैश 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 बी के एक्स के। इसको अपने बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन का मतलब है कि देर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल स्कोर्स इन एन एग्जाम, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर दैट यू डू, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्कोर्स इन द एग्जाम, और एक्स वन एक्स टू हो गया आपके ख्याल से वो कौन से फैक्टर्स है जो एग्जाम का स्कोर्स डिटर्मिन करते हैं, ठीक है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज द GDP ग्रोथ रेट, तो इन दैट केस एक्स वन एक्स टू अलग तरह का वेरिएबल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स वन इज इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर GDP ग्रोथ रेट डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एक्स टू में भी सम अदर फैक्टर, ठीक है, कि कंजम्पशन कॉन्फिडेंस क्या है या बिजनेस कॉन्फिडेंस क्या है। सो डिपेंडिंग अपॉन अपने क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, वाई एक्स वन एक्स टू अपने आप में होता है, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। ओके, जस्ट आइडिया दिया, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। अपने जो लास्ट चैप्टर है करिकुलम में स्टेटिस्टिक्स में CFA लेवल वन में, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे भी जरा सा भी आइडिया राइट लेफ्ट दे रहा हूँ तो टाइम वेस्टेज नहीं है, वो काम का है, बिकॉज एनीवेज वो काम आएगा बाद में, ठीक है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे वाई हो गया, अपना जो एग्जाम्पल है उस पर वाई हो गया कि कोविड इस बंदे के है या नहीं है। जब इस तरह का होता है ना, है या नहीं है, वी कॉल इट बाइनरी। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड बाइनरी, BINARY। सो वाई कैन टेक वैल्यूज ऑफ जीरो और वन, जीरो और वन, ओके। तो वन में मीन, वन का मतलब हो सकता है कि कोविड है, जीरो का मतलब हो सकता है कि कोविड नहीं है, ठीक है ना। तो बाइनरी जीरो और वन, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, एक्स वन टेम्परेचर, एक्स टू कफनेस एंड ऑल दैट स्टफ विच आई एम नॉट अवेयर अबाउट। नाउ व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट, अपने 1000 पीपल का कोविड टेस्ट किए, 1000 पीपल का कोविड टेस्ट लिए, कोविड टेस्ट कंडक्ट किए, और जो कोविड टेस्ट कंडक्ट किए उसका रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे हैं, रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स। तो यहां पे है प्रेडिक्टेड रिजल्ट, ओके, ये रोज में, रोज में प्रेडिक्टेड रिजल्ट क्या है, यस उसके कोविड है, नो उसके कोविड नहीं है। Yes, मतलब पॉजिटिव टेस्ट, नो मतलब नेगेटिव टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, आप पॉजिटिव समझ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ओके। और एक्चुअली वो 1000 पीपल के कोविड है कि नहीं है वो भी हम लोग पता लगा लिए, एक्चुअल एक्चुअल रिजल्ट ये कॉलम में,
एंड उसमें है अपने पास यस नो, यस माने यस कोविड है, नो माने कोविड नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो कॉलम में है एक्चुअल रिजल्ट कि कोविड है कि कोविड नहीं है, और रोज में क्या है प्रेडिक्शन बाय आवर मॉडल, ठीक है, बाय आवर मॉडल। अब नंबर्स लिख रहा हूं, 1000 में से देयर वर 120 पीपल इन दिस पर्टिकुलर सेल, देयर वर 90 पीपल इन दिस सेल, देयर वर 60 पीपल इन दिस सेल। कैन यू टेल मी चौथा वाला बॉक्स में क्या नंबर लिखूं? कैन यू टेल मी चौथा वाले बॉक्स में क्या नंबर लिखूं? कॉमन सेंस से इसलिए रुक गया सो डेट आपका भी दिमाग चले। रिमेंबर आई विल नॉट टेक नेम्स। एक पर्सन बोल रहा है 30, आई थिंक मिस प्रिंटिंग हो गया उससे, 730 कोई बोला है, कोई 880 बोला है, कोई 40 बोल रहा है। टोटल 1000 पीपल थे जिनका टेस्ट हुआ, तो 1000 का हिसाब तो होना पड़ेगा ना। तो इट वॉज कॉमन सेंस दैट 1000 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 60, 1000 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 60, इट वॉज कॉमन सेंस। कितना आ रहा है? 730 आ रहा है। सर क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? एकदम भी नहीं, इट जस्ट लाइव क्लास है तो उसका बेनिफिट क्या होता है, इंटरेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा विदाउट वेस्टिंग टाइम। 730, तो इन दैट केस ये जो आया, ठीक है ना, इसको भी टोटल कर दो, 120 प्लस 90 इज 210, 60 प्लस 730 इज 790, टोटल इज 1000। एंड इफ आई डू द कॉलम टोटल, 120 प्लस 60 इज 180, If I do 90 plus 730 is 820, ठीक है ना। ज्यादा डेकोरेशन नहीं कर पा रहा हूं, किसा गंदा टेबल आपका, डजेंट मैटर। तो आप देखिए, ये रिजल्ट है, 1000 पीपल का सैंपल है, उनका ये रिजल्ट है। इसको बोलते हैं अपने मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, प्लीज लिख लीजिएगा, इसको भी बोलते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, इनको बोलते हैं ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज। सिंस इन सबको बोलते हैं तो मैं मार्क नहीं कर पाऊं, दीज आर कॉल्ड ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज, ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज। कैसे मार्क करूं, जस्ट वन सेकेंड सोच रहा हूं। ओके, लेट मी मार्क दिस वे, दीज आर कॉल्ड ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज। प्लीज मार्क कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर कोई कॉपी नहीं कर रहा है तो आई कांट हेल्प। जो रो का टोटल था और जो कॉलम का टोटल था, दे आर कॉल्ड मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज, और जो अंदर में एक एक नंबर था उसको बोलते हैं ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी। ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो तो ज्वाइंटली बता रहे हैं ना दो डिफरेंट चीजों का, कि हाँ प्रेडिक्शन प्लस एक्चुअल कितने नंबर थे जिनमें दोनों में पॉजिटिव टेस्ट आया। मॉडल बोला इसके कोविड है और एक्चुअली उसके कोविड था 120 जन, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे जिससे कि पार्टिसिपेशन है, आपको क्या दिख रहा है टेबल में, कितने सारे लोग हैं जिनको मॉडल ने बोला कोविड नहीं है बट एक्चुअली कोविड था, प्लीज बताइए, सो दैट टेबल तो समझ में आए, वरना कोई बाद में बोलेगा सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टेबल एट ऑल। कितने सारे लोग हैं टेबल में जिनमें मॉडल ने बोला इनके कोविड नहीं है पर एक्चुअली कोविड था? थैंक्स अ लॉट, सबका करेक्ट आंसर है 60। तो 60 पीपल का प्रेडिक्शन था कि कोविड नहीं है पर एक्चुअली कोविड था, और कितने लोग हैं जिसमें मॉडल ने बोला कोविड नहीं और एक्चुअली कोविड नहीं था? मॉडल ने बोला कोविड नहीं और एक्चुअली कोविड नहीं था, मॉडल ने बोला कोविड नहीं और एक्चुअली कोविड नहीं था। 730, किसी ने 90 बोला, एकदम गलत बोला, जिसने भी 90 बोला, मैंने बोला मॉडल बोल रहा है कोविड नहीं और एक्चुअली भी कोविड नहीं था, 730। और कितने सारे हैं जहां मॉडल ने बोला कोविड है पर एक्चुअली कोविड नहीं था, मॉडल ने बोला कोविड है पर एक्चुअली कोविड नहीं था, मॉडल ने बोला कोविड है पर एक्चुअली कोविड नहीं था, 90।
तो ये बताइए किन किन लोगों के बारे में मॉडल ने गलत बोला, किन किन लोगों के बारे में। आपको दो नंबर्स बताने हैं, यहाँ दो न, दो दो नंबर्स है, दो ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज है जिनके बारे में मॉडल ने गलत बोला। दो तो ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज है जिनके बारे में मॉडल ने गलत बोला, दो तो ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज है जिनके बारे में मॉडल ने गलत बोला। कौन कौन सा? 60 और 90, करेक्ट। 60 और 90 एरर है, 60 और 90 एरर है, एकदम करेक्ट। 60 एंड 90 आर एरर्स, यू आर 100% राइट। दीज आर एरर्स, एरर्स, मिस्टेक, रॉन्ग क्लासिफिकेशन, रॉन्ग प्रेडिक्शन, वाइल 120 एंड 730 आर करेक्ट प्रेडिक्शंस। ओके, 120 एंड 730 आर करेक्ट प्रेडिक्शंस, करेक्ट प्रेडिक्शंस। आई एम सॉरी फॉर द खिचड़ी दैट इज बीइंग मेड, करेक्ट प्रेडिक्शंस। करेक्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है ना? 120 इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, 120 इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। तो कैन यू गेस? इट्स कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज येस को पॉजिटिव मान रहे हैं, एंड दैट्स ट्रू ना। वॉट शुड 730 बी कॉल्ड? 120 इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। सो देर आर 120 केसेज विच आर ट्रू पॉजिटिव। मॉडल सेड, मॉडल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव एंड एक्चुअली पॉजिटिव था। 120 इज ट्रू पॉजिटिव, सो 730 इज वॉट? ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा आ रहा है। इट इज ट्रू नेगेटिव, 730 इज ट्रू नेगेटिव। ट्रू क्यों? बिकॉज सही प्रेडिक्शन है। ओके, ट्रू क्यों? बिकॉज सही प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन क्या था? नेगेटिव, एक्चुअली भी नेगेटिव हुआ। तो आप प्लीज मार्क कर लीजिए वो जो 120 वाला फिगर है, वो जो 120 वाला फिगर आप लोग मार्क कर लीजिए। मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कोशिश करता हूँ मार्क करने का, पर कितना कलर्स आएगा यार। मोर, लो मोर, मोर में गया और गॉड नोस। ठीक है, ये कलर लेते हैं। दिस 120 वाला फिगर, सॉरी, दिस 120 वाला फिगर इज ट्रू पॉजिटिव, दिस 730 वाला फिगर इज ट्रू नेगेटिव। कैन यू से 90 वाला फिगर क्या होगा? 90 वाला फिगर फॉल्स तो होगा ही, और मॉडल ने क्या बोला? 90 वाला फिगर फॉल्स तो होगा ही ना, बिकॉज गलत बोला, झूठ बोला, और बोला क्या? 90 वाला फिगर क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव, करेक्ट। मार्क कर लीजिएगा, 90 वाला फिगर इज फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू क्यों बोल रहे हो पूजा? ट्रू मत बोलो, ट्रू तो वो है जो मॉडल ने सही बोला, वो तो गलत बोला ना, झूठ बोला। फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों? बिकॉज मॉडल ने बोला पॉजिटिव। और 60 वाला फिगर समझ गए हैं क्या होगा? 60 वाला फिगर इज फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। मॉडल ने बोला कोविड नहीं है, पर एक्चुअली कोविड था, तो मॉडल गेव अ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। 90 इज फॉल्स पॉजिटिव, 60 इज फॉल्स नेगेटिव। अब कोई लिख रहा नहीं होगा, बार में पूछेगा सर क्या बोला था आपने 90 के बारे में, आई कैन नॉट हेल्प। ठीक है, 90 इज फॉल्स पॉजिटिव, 60 इज फॉल्स नेगेटिव, 90 इज फॉल्स पॉजिटिव, 60 इज फॉल्स नेगेटिव। ठीक है ना? ओके, सुनना प्लीज। हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? वही डिस्कशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूं हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक सर्टन धारणा, एक सर्टन इमेजिनेशन। यू हाइपोथेसाइज दैट यू आर द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। हाइपोथेसिस इज अ सर्टन धारणा, ठीक है, एक सर्टन इमेजिनेशन, ओके, विच डजेंट हैव एनी एम्पेरिकल एविडेंस। कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपको ऐसा लगता है, दैट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, अजम्पशन, बहुत अच्छा है, अजम्पशन। तो हाइपोथेसिस एक अजम्पशन है, और उस अजम्पशन का कोई डेटा सपोर्ट, माने वैसा नहीं है, डेटा के बिना अजम्पशन, ओके, डेटा के बिना, डेटा के बिना अजम्पशन को बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है ना? तो हाइपोथेसिस का चैप्टर अपने, और सबसे मेन चैप्टर वही माना जाता है, और क्या करें, ये रिलेटेड है उससे, तो बताना ही पड़ेगा। देर इज समथिंग कॉल्ड नल हाइपोथेसिस H0, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। देर इज समथिंग कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, कि तुम्हारा अजम्पशन क्या है, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस है नो कोविड,
ये नल हाइपोथेसिस है, डिफाइंड इस तरह। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, जो नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, जो नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, प्लीज बोलिए, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, यस प्लीज, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा। अगर नल हाइपोथेसिस है नो कोविड, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कोविड इज देयर ना, इस पर्सन ने कोविड है, तो कोई भी पर्सन रैंडमली लिए, नल हाइपोथेसिस को कोविड नहीं है, और ऑल्टरनेट क्या है, उसके कोविड है, उसके कोविड है, ठीक है ना। तो जो एरर सबने लिखे थे उसमें एक को बोलते हैं टाइप वन एरर। जो एरर्स लिखे थे ना अपने, दिखा दूं, एक तो 90 वाला एरर था और एक 60 वाला एरर था। 90 वाला एरर क्या था, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब मॉडल ने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव मतलब कोविड है, पर वो फॉल्स किया बिकॉज एक्चुअली कोविड नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव। और 60 क्या था, फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव माने मॉडल ने प्रेडिक्ट किया नेगेटिव रिजल्ट, इसके कोविड नहीं है, पर एक्चुअली उसके कोविड था, ठीक है ना। कोई एक ही जन है इंसान जो पूछ रहा था फॉल्स नेगेटिव का मतलब, उस इंसान को जवाब मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो वीडियो को टॉगल रिपीट करके बार बार सुन लेगा। टाइप वन एरर ये बाद में और डीपली करेंगे, यहां पे सुने, पहली बार बता रहा हूं। टाइप वन एरर मतलब H0 इज ट्रू, यानी कोविड नहीं है बट रिजेक्टेड। H0 एक्चुअली ट्रू है बट रिजेक्टेड। H0 इज ट्रू मतलब रियलिटी में इस बंदे के कोविड नहीं है, पर हमारा गलती क्या होगा, हमारे मॉडल ने मान लिया कोविड है, इसको बोलते हैं टाइप वन एरर। H0 इज ट्रू, रियलिटी में कोविड नहीं है, देख लीजिए बोर्ड पे, पर रिजेक्टेड, हमारा प्रेडिक्शन मॉडल ने रिजेक्ट कर दिया H0 को, उसने कंक्लूड किया कि यार H1 कोविड है, इसको बोलते हैं टाइप वन एरर। H0 इज ट्रू बट रिजेक्टेड। तो ये कौन सा वाला है, ये 90 वाला है कि 60 वाला है, फिर से देख लीजिए। H0 इज ट्रू सर, कोविड नहीं है इस इंसान के, बट अपने मॉडल ने तो H0 को रिजेक्ट कर दिया, तो मॉडल ने कंक्लूड किया कि कोविड है, जो प्रेडिक्शन मॉडल था अपना, उस इंसान के कोविड नहीं है रियलिटी में, पर मॉडल ने बोला, प्रेडिक्ट किया कि उसके कोविड है, विच इज दैट 90। कैसे गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो, ठीक से सोचो, जो जो 60 बोल रहे हैं। 90 वाले लोग कौन से हैं, जिनके एक्चुअली कोविड नहीं है, कोविड नहीं है माने H0 इज ट्रू, पर हमारे मॉडल ने बोला कोविड है, वो H0 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप वन एरर, टाइप वन एरर। ओके, सो 90 इज टाइप वन एरर। तो अपने डिस्कशन में दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव इज टाइप वन एरर इन द डिस्कशन गोइंग ऑन, फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप टू एरर इज H0 इज फॉल्स, H0 इज फॉल्स, यानी एक्चुअली उस बंदे के कोविड है, H0 फॉल्स है, H0 गलत है, यानी H1 सही है ना, H0 इज फॉल्स, इसका मतलब H1 सही, उस बंदे कोविड है, बट हमारा जो मॉडल है वो उसको फेल टू रिजेक्ट, ये लैंग्वेज यूज किया जाता है। H0 इज फॉल्स बट, बट अगर मैं सही सेंटेंस बोलू, फेल टू रिजेक्ट, ये सही सेंटेंस है स्टेटिस्टिक्स में, पर अगर लूज सेंटेंस बोलू, लूज सेंटेंस हो गया बट एक्सेप्टेड। तो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप एक्सेप्टेड मान सकते हो, इवन दो H0 इज फॉल्स इट इज एक्सेप्टेड, मॉडल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मॉडल ने मान लिया नो कोविड, पर एक्चुअली H0 फॉल्स है, उस बंदे कोविड है। ओके, मॉडल ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया H0 को, हाँ नो कोविड, बट एक्चुअली उस बंदे कोविड है, इसको बोलते हैं टाइप टू एरर, इसको बोलते हैं टाइप टू एरर। तो टाइप टू एरर हो गया फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। सो हम लोग टेस्ट कराए, टेस्ट का रिजल्ट आया नेगेटिव, कोविड नहीं है, पर एक्चुअली कोविड था, इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। ओके,
फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव. सो क्या ये मॉडल अपने को, अगर अपने एक फार्मेसी हैं, अगर अपने या फिर माने अपने एक कंट्री के क्या बोलते हैं, माने वी आर द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सम कंपनी प्रोवाइड्स अस विद अ कोविड क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है ना. एक कंपनी है, हेल्थ मिनिस्टर को अप्रोच किया कि हमने कोविड को डिटेक्ट करने का एक मॉडल निकाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे कि भाई उस मॉडल का क्या लॉजिक है, प्राइमा फेशिया अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स देखेंगे, एंड देन वो सब जजमेंट ठीक है, उसके बाद जाके कुछ लोगों पे टेस्ट करेंगे जिनका हम लोग जानते हैं कि कोविड है कि नहीं है. तो अपने को पता है हर जगह जहाँ कोविड है कि नहीं है, टेस्ट करेंगे. तो ये रिजल्ट आया, और अगर इस रिजल्ट में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो उस केस में कंक्लूड करेंगे कि नहीं, ये प्रेडिक्शन मॉडल नहीं यूज़ करना चाहिए, इसमें और इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायर्ड है. शायद इन्होंने जो इक्वेशन के आधार पे, शायद इन्होंने जिस इक्वेशन से निकाला होगा ना कि कोविड है या नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है. शायद इन्होंने जो X1, X2, X3 है वो गलत लिए हैं वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स मिस कर गए हैं, इनको वो वेरिएबल्स लेने चाहिए, या कुछ वेरिएबल्स को गलती से ले लिए उनको हटाना चाहिए. दे विल हैव टू डू मोर फाइन ट्यूनिंग विद देयर प्रेडिक्शन मॉडल, बिकॉज दिस प्रेडिक्शन मॉडल हैज़ अ हाई लेवल ऑफ एरर, ठीक है ना, हैज़ अ हाई लेवल ऑफ एरर. सो क्लासिफिकेशन में काम आता है. और ये जो मैट्रिक्स बना था, ये जो मैट्रिक्स बना था अपना, आई फॉरगॉट टू से द नेम बिकॉज मैं फोकस कर रहा था स्टोरी पे, इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. व्हाट इज इट कॉल्ड? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. प्लीज नाम लिख लीजिएगा. तो अपना LOSD इज ऑन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स डिजाइंड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रेडिक्शन मॉडल. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन, इज, या हिंदी में लिखे तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसका पर्पस है एक क्लासिफिकेशन मॉडल का एक्यूरेसी चेक करना. क्लासिफिकेशन मॉडल का एक्यूरेसी चेक करना, एक प्रेडिक्शन मॉडल का एक्यूरेसी चेक करना, ठीक है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रेडिक्शन मॉडल, दैट्स द पर्पस ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. सर कैन यू रिपीट? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का पर्पस है एक प्रेडिक्शन मॉडल का एक्यूरेसी चेक करना. नो सर, इन इंग्लिश कन्फ्यूजन मैट्रिक्स द पर्पस इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रेडिक्शन मॉडल, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रेडिक्शन मॉडल. सो इफ द Type 1 एरर, द Type 2 एरर आर वेरी हाई, ओके, आर वेरी हाई का कोई डेफिनेशन थोड़ी है, वो डिपेंड करता है कि कोई भी एरर होने से क्या होता है. देर आर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल कंसिक्वेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के कोविड नहीं है और हमने उसको कोविड बोला कि है, यानी फॉल्स पॉजिटिव हो गया, Type 1 एरर, तो उस केस में उसको हमने क्वारंटाइन कर दिया एयरपोर्ट में, उसको अलग से बैठा के रखा है जो भी है, तो उसकी वजह से कॉस्ट लगा. सपोज द गवर्नमेंट इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इट, तो वो उसका कॉस्ट है, ठीक है. प्लस उसके जब कोविड नहीं था तो फालतू में उसका टाइम बर्बाद गया, दर इज GDP नुकसान जो इकोनॉमी का होता है. तो Type 1 एरर का एक सर्टन कॉस्ट है, और Type 2 एरर का भी एक सर्टन कॉस्ट है कि एक पर्सन जिसके कोविड एक्चुअली है, हमारा मॉडल डिटेक्ट नहीं कर पाया, ओके, फॉल्स नेगेटिव बोल दिया, और वो पर्सन को जाने दिए, और जाने दिए तो बाकी लोगों के साथ मिल गया, और उसके कारण ये कोविड और फैल गया. मैं उस समय का बात कर रहा हूँ 2020 का, तो उस केस में उसका भी कंसीक्वेंसेज है ना. तो कंसीक्वेंसेज Type 1 एरर का भी है, Type 2 एरर का भी है. तो हो सकता है जो मिनिस्ट्री है वो कोई थ्रेशोल्ड सोचेगी. क्या थ्रेशोल्ड? Type 1 एरर, मन से बोल रहा हूँ, Type 1 एरर लेस देन इक्वल टू 4%, मन से बोला हूं, Type 2 एरर लेस देन इक्वल टू 6%, मैंने मन से बोला है. तो जो मिनिस्ट्री है मेरे एग्जाम्पल में, उसने ये सोचा कि हम लोग तभी किसी मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे अगर उसमें Type 1 एरर लेस देन इक्वल टू 4%, Type 2 एरर लेस देन इक्वल टू 6%, जैसे एंड ये दोनों. तो इन दैट केस अपने डेटा में जो Type 1 एरर है वो 90 डिवाइड बाय 1000 है ना, 9000 में से 90, तो कितना परसेंट हो गया, 1000 में से 90
तो 1000 में से 90 तो 9% हो गया, और टाइप टू एरर 60/1000 यानी 6%, तो टाइप वन एरर 9% है और टाइप टू एरर 6% है अपने एग्जाम्पल में, ठीक है ना, 9% 6%, और थ्रेशोल्ड क्या डिसाइड हुआ था, 4% से कम 6% से कम होना चाहिए, तो टाइप टू को तो बाउंड्री में सेटिस्फाई कर दिया है बिकॉज मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा था। अगर मैं लेस देन लिखता सपोज इक्वल टू साइन उड़ा देता हूँ, तो इन दैट केस ये भी डिससेटिस्फाइड है बिकॉज 9% है और ये भी डिससेटिस्फाइड है बिकॉज 6% है। खैर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था, तो दिस प्रेडिक्शन मॉडल विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। सर करप्शन हो गया तो हजार जन वैसे चुने तो उनका डेटा को अपने वो कर दिए तो ठीक है, रैंगल कर दिए तो वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात है, तुम वो सोचते रहो, मेरे को बताना था व्हाट इज अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स LOS नंबर D। सो मैंने बहुत ही ऑड तरीके से स्टार्ट किया है, नोबडी विल स्टार्ट द चैप्टर दिस वे, बट अगर मैं इस तरह से स्टार्ट नहीं करता चैप्टर को तो बहुत बोरिंग लगता, व्हाट इज अ डेटा, ठीक है बच्चों ये है अपने दांतों की बनावट, तो फालतूबाजी करने में फ़ायदा नहीं है, पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, एप्लीकेटिव फॉर्म में पढ़ाओ तो जाके सेंसिबल है। कोर रीडिंग में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोर का जो एग्जाम्पल है मैं अभी खोलूंगा नहीं, कोर का जो एग्जाम्पल है कोर का वो है बॉन्ड डिफॉल्ट। होप आप कॉपी कर रहे हैं, नहीं कॉपी कर रहे हैं तो आप जाने भुजिया खाओ मेरे लैंग्वेज में। बॉन्ड डिफॉल्ट, जो बॉन्ड है वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट जंक बॉन्ड्स, अपने पास से 500 जंक बॉन्ड्स है, 500 बॉन्ड्स है, और वो 500 बॉन्ड्स जो है वो एक्चुअली डिफॉल्ट किए या नहीं किए वो अपने को पता है। अब हमने एक मॉडल निकाला है y इज इक्वल टू b0+b1x1 b2x2 b3x3 b4x4, ठीक है, जहाँ पे मे बी x1 इज कंपनी का लिक्विडिटी, x2 इज कंपनी का कैश फ्लो, x3 इज कंपनी का नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड बाई सेबी माने पेनल्टी। तो ऐसा कुछ x1 x2 x3 को अपने फैक्टर्स लिए हैं और फिर जाके प्रेडिक्ट कर रहा है अपना मॉडल कि बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को बॉन्ड बाई करना है कि नहीं बाई करना है। हम लोग एक फंड है, फंड, एंड दैट फंड हैज यूज्ड इट्स रिसर्च टीम, द रिसर्च टीम हैज कम आउट विद अ पर्टिकुलर मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग बॉन्ड डिफॉल्ट्स फॉर जंक बॉन्ड्स, ठीक है। तो जंक बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट रेटिंग, ओके, जिनका रेटिंग ये कराया हुआ है, जिनका रेटिंग BB या लोअर होता है, दे आर कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव ग्रेड और जंक बॉन्ड्स, और जिनका BBB या हायर होता है दे आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ये अपने किए थे जब TVM का फर्स्ट क्लास किए थे ना LOS A या B में, वहाँ पे वी हैड डन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। सर मैंने किया नहीं, मैं तो इस चैप्टर से ज्वाइन किया हूँ, आई कांट हेल्प राइट नाउ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो जंक बॉन्ड्स वो होता है जिनका BB या उससे नीचे रेटिंग है, ठीक है, जिनका BB या उनसे नीचे रेटिंग है दे आर कॉल्ड जंक बॉन्ड्स। आई थिंक सब्यसाची घोसाल देर इज सम इश्यू एट योर एंड, शुरू से ही यू मे नॉट वेस्ट योर टाइम, यू मे वॉच द क्लास ऑन अ प्री रिकॉर्डेड बेसिस बिकॉज द पर्पस इज टू नो द नॉलेज एंड पास द एग्जाम, द पर्पस इज नो इज नॉट टू टेक अ लाइव क्लास, द पर्पस इज टू पास द एग्जाम, ओके। तो बॉन्ड डिफॉल्ट, तो अब क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिक्शन, यस डिफॉल्ट करेगा, प्रेडिक्शन ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्चुअल डिफॉल्ट, यस नो, ठीक है। तो 500 में से देवे 20 बॉन्ड्स जिनमें हमारा मॉडल बोला डिफॉल्ट करेगा और एक्चुअली डिफॉल्ट किया था, 500 में से देवे 10 बॉन्ड्स जहां मॉडल बोला डिफॉल्ट करेगा पर डिफॉल्ट नहीं किया, यानी फालतू का रेड फ्लैग रेज कर दिया, 500 में से देवे 30 बॉन्ड्स जिनमें मॉडल बोला डिफॉल्ट नहीं करेगा पर वो डिफॉल्ट किए,
एंड बाकी का क्या होगा, ये तो आपको दिख रहा ही होगा, 440, 440, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 4 40, 470, 20 प्लस 30 50, 10 प्लस 4 40, 450. These are called marginal frequencies. 30, 470, 50, 450. Total is 500. Total is 500. ठीक है ना, टोटल इज 500. सो दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. दिस वन इज द टाइप वन एरर, फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है ना, गलत बोला इसलिए फॉल्स पॉजिटिव. वो येस बोल दिया, प्रेडिक्ट किया डिफॉल्ट होगा, एक्चुअली डिफॉल्ट नहीं हुआ. ठीक है, तो एंड 30 इज टाइप टू एरर, फॉल्स नेगेटिव. उनका वो निकाल सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी बाई टोटल इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. 10/500, 10 डिवाइडेड बाई 500 इज 1%. तो ये 1% टू आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड 30/500 इज वॉट, 0.3%, सॉरी 3%. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. कोई बुक्स में डिफाइन करने से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी माने प्रपोर्शन. ठीक है ना, तो 1% टाइप वन एरर, 3% टाइप टू एरर. इफ दीज आर टॉलरेबल इन दैट केस यूज द मॉडल. If these are not tolerable, fine tune the model, do further working on the model, okay, fine tune it. So that's what is done. Okay, that's what is done. So I hope I have been able to explain the confusion matrix. There would be some students who will say that sir, एकदम चीज ठीक था पर जो hypothesis वाला part आपने बोला ना वो पूरा उतना clear नहीं था, because hypothesis chapter नहीं किए. Hypothesis chapter है अलग से, chapter हमने किया नहीं है. वो चैप्टर बताए बिना अगर मैं 2 मिनट केवल H0 H1 लिख दूंगा तो उससे थोड़ी आपको कंफर्ट आ जाएगा कि हाइपोथेसिस तो सीख गए. समझ रहे हैं आप मेरा बात? तो इन दैट केस अगर कुछ ऐसा चीज आता है जो कि आने वाले चैप्टर से रिलेटेड है पर उसका हिंट देना पड़ता है यहाँ पे, तो आपको मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा और आपको अपने आप में भी, मेरे को भी माफ करना पड़ेगा, खुद को ही माफ करना पड़ेगा कि यार हाइपोथेसिस वैसे नहीं बैठा है, बिकॉज वो चैप्टर थोड़ी की है. ठीक है ना, हमने एक सर्टन अजम्पशन लिया, दैट्स नल हाइपोथेसिस. उसका कॉन्ट्राडिक्टरी अजम्पशन इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. फिर डेटा चेक करते हैं और डेटा देखते हैं कि वो डेटा के बेसिस पे H0 इज रिजेक्टेड या फेल टू रिजेक्ट. ठीक है ना, दैट इज व्हाट हाइपोथेसिस इज. मैंने पढ़ाया नहीं है एंड 5 मिनट पे पढ़ाया भी नहीं जा सकता. ठीक है ना, ओके. पूछ रहा है 1% और 3% कैसे आया. 10/500, नहीं 3% रॉन्ग आया ना, आई थिंक 1% भी रॉन्ग आएगा. निकालिए, 10/500 इज वॉट, 2% ना, सॉरी 10/500 कितना है, 10/500 इज वॉट, 2%, 2%. एंड दिस इज आई थिंक 6%, दिस इज 6%, सॉरी मैं 1000 के बेसिस पे कर दिया, 2% और 6% आ रहा है, मैंने 1000 के बेसिस पे कर दिया था. ठीक है ना, 2% 6%, दैट्स फाइन, गुड. 2% 6%. तो मैंने बोला द ओनली प्रॉब्लम व्हेन यू डू दिस, जब आप ये करेंगे द ओनली इश्यू दैट विल कम टू योर माइंड इज दैट, पता नहीं यार हाइपोथेसिस वाला पार्ट ठीक से क्लियर नहीं हुआ. ठीक है ना, वो आपको लगेगा. तो वेट फॉर द हाइपोथेसिस चैप्टर फॉर दैट टू बी क्लियर. ठीक है, वेट फॉर द हाइपोथेसिस चैप्टर फॉर दैट टू बी क्लियर. तो इन दैट केस मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को छोड़ रहा हूँ. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैंने समझा दिया. I am dropping the confusion matrix. ठीक है, confusion matrix को मैं छोड़ रहा हूँ. Okay, I have explained the confusion matrix. Confusion matrix 2x2 matrix ही होता है. Yes, confusion matrix 2x2 ही होता है. Yes, no, yes, no. Confusion matrix 2x2 ही होता है. Yes, आगे बढ़ना पड़ेगा वरना कभी complete नहीं कर पाएंगे. जो organization वाला part है उस पर 7 क्लास लगा सकते हैं, 7 क्लासेस. विजुअलाइजेशन में 4 क्लास ही, 11, और उसके बाद जाके जो डिस्क्राइबिंग है उस पर 10 क्लास, 11 और 10 21. ठीक है, तो पूरे के पूरे करिकुलम में केवल QM ही होगा फॉर द CFL1 एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट. नाउ ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इट इज वन ऑफ द
applications. One of the applications of contingency table confusion matrix. It is one of the applications of contingency table. तो confusion matrix दिया हुआ है अपने को कंटिंजेंसी टेबल. कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो एलओएस डी का पार्ट है. उसमें वर्ड है कंटिंजेंसी टेबल. कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो वर्ड ही नहीं है एलओएस में. कंटिंजेंसी टेबल के अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है ना. तो इसका मतलब हम लोग ब्रॉड टॉपिक क्या कर रहे हैं, कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है. और इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं. मैं बात कर सकता हूं कंटिंजेंसी टेबल इज डिफाइंड एज, तो इन दैट केस बोरिंग है, वैसे ही बाकी दुनिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना. इंस्टेड मैं सीधा एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल से बता रहा हूं इज इट ओके, और या फिर मैं डेफिनेशन से पढ़ाऊं. लेट्स सी, इज इट ओके कि मैं एप्लीकेशन लेके पढ़ा रहा हूं या मैं डेफिनेशन से पढ़ाऊं. व्हाट इज डेटा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाऊं या फिर डेफिनेशन से पढ़ाऊं. ओके चलिए 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 ठीक है, बेटर है. तो फिर कंटिंजेंसी टेबल का सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिंजेंसी टेबल. अब किसी को हंसी आएगा कि यार ये बंदे ने कंटिंजेंसी टेबल तो हमको डिफाइन नहीं किया और उसका एप्लीकेशन बता रहा, वही तो बात है. ओके सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिंजेंसी टेबल सुनिएगा. ओके सुनिएगा ठीक से, क्या आपको लगता है कि सीएफए में पास और फेल जेंडर पे डिपेंडेंट है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, डू यू थिंक पास ऑब्लिक फेल डिपेंड्स ऑन जेंडर? तो इन दैट केस लोगों का आंसर आया है नो. ओके इसका मतलब यू बिलीव दैट पास फेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर. तो मैं क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूं, आप लोग का जवाब है सर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर. इंडिपेंडेंट, ओके इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, करेक्ट है. आप लोग का ये बोलना है सर पास या फेल डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये जो आपने बोला कि सर इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर, ये आपने डेटा चेक करके बोला या आपने जजमेंट से बोला? ये आपने डेटा चेक करके बोला या आपने जजमेंट से बोला? किससे बोला? पास या फेल डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर, ये आपने डेटा चेक किया है, आपके पास डेटा है कितने मेल पास करे कितने फीमेल पास कर रहे हैं, और यह आपने अपने जजमेंट से बोला है, जजमेंट से बोला है. तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था जब मैं स्टार्टिंग में, किसी को अगर समझ में नहीं आया सर क्या बोल रहे थे यार शुरू में, सर यही बोल रहे थे कि दुनिया केवल जजमेंट से नहीं चलती है. दुनिया बोलती है ठीक है तुम्हारा जजमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम डेटा दिखाओ प्रूव करने के लिए. तो हम लोग चेक करना चाहते हैं, मेरे को शक हो रहा आपके जजमेंट पे. विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग बॉयज और गर्ल्स, आई एम वॉन्टिंग टू चेक बिकॉज आई वॉन्ट एम्पेरिकल एविडेंस. एम्पेरिकल का मतलब हो गया डेटा सपोर्टेड, ठीक है, डेटा सपोर्टेड एनालिसिस. तो हमने सीएफए लेवल वन, सीएफए लेवल वन मई 2021 के 500 कैंडिडेट्स लिए, सैंपल लिए, बिकॉज केवल 500 जन एग्जाम थोड़ी दिए थे. आपको सब कुछ लिखना चाहिए, आपको सब कुछ लिखना चाहिए, स्टूडेंट आपको पता रहेगा सर क्लास में क्या करवाए थे. CFA लेवल वन मई 2021 का जो एग्जामिनेशन था उसका मैंने एक 500 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया, 500 कैंडिडेट्स का सैंपल लिया जो लोग एग्जाम दिए थे, ठीक है ना, जो एग्जाम दिए थे उनका सैंपल लिया. और मैंने ये टेबल बनाया मेल फीमेल पास फेल, मेल फीमेल पास फेल, ठीक है. तो मेल ऑन द होल मेरे सैंपल में 300 मेल है, 200 फीमेल है. रिजल्ट जो है 2021 में काफी लो हुआ था, ठीक है, रिजल्ट. तो इन दैट केस
500 में से अगर अपने माने 125% लोग पास, सॉरी 500 में से 25% लोग पास हुए थे, तो 500 का 25% इज व्हाट, 125, 125 पास, 375 फेल. व्हाट आर दीज कॉल्ड? ये जो नंबर्स लिखे इनका नाम क्या है? बिकॉज अपने को टेक्स्ट भी तो कवर करना है, जो टेक्स्ट में लिखा वो भी तो कवर करना है. इनका नाम क्या है प्लीज? व्हाट आर दीज कॉल्ड प्लीज? ये जो नंबर्स मैंने लिखे इनका नाम क्या है? वेरी गुड. मार्जिनल फ्रीक्वेंसी. मार्जिनल फ्रीक्वेंसी जेंडर वाइज कौन कौन सा है? 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 300-200. ब्यूटिफुल, यू आर लिस्टिंग टू मी केयरफुली. और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी रिजल्ट वाइज कौन कौन सा है? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी रिजल्ट वाइज कौन कौन सा है? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी रिजल्ट वाइज कौन कौन सा है? रिजल्ट वाइज 125, 375. तो ये एग्जाम में पूछेगा इस तरह से, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, पर वहां तो एक अलग स्टोरी होगा. वो पूछेगा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी ये वाइज, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी वो वाइज, वो ये वो क्या बोलेगा. आई कांट से, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी. मेरे एग्जाम्पल में देर आर टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स गोइंग ऑन. वन इज जेंडर एंड द अदर इज रिजल्ट. ओके, आई एम टेकिंग 2 मिनट्स, डाइवर्ट कर रहा हूं टू एक्सप्लेन. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव और दे आर क्वालिटेटिव? मैंने बोला जेंडर इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. जेंडर इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. सो दे आर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? दे आर क्वालिटेटिव सर, दे आर क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव. ओके, क्वालिटेटिव. दे आर नॉट न्यूमेरिकल. ओके, ऑफकोर्स वी कैन गिव देम सर्टन कोड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रिप्रेजेंट मेल एज 1, फीमेल एज 0, और उल्टा बोल दें मेल एज 0, फीमेल एज 1. इट इज पॉसिबल टू गिव न्यूमेरिकल लेबलिंग टू देम. न्यूमेरिकल लेबलिंग देना हर चीज को पॉसिबल. मेरा मन, मैं मेल को 1 बोलूंगा, फीमेल को 2, ठीक है, दैट्स पॉसिबल. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट दे आर क्वालिटेटिव. वी आर जस्ट लेबलिंग देम न्यूमेरिकली. ठीक है, टेल मी समथिंग, व्हाट डू यू थिंक? मेल, फीमेल, यानी जेंडर, जेंडर एक वेरिएबल है और दूसरा है रिजल्ट. दोनों में से कौन से में आपको रैंकिंग का फीलिंग आ रहा है? रैंकिंग मतलब ऑर्डर का फीलिंग आ रहा है. किस में या किसी में नहीं आ रहा है? जेंडर में या रिजल्ट में, किस में आपको रैंकिंग का फीलिंग आ रहा है? ब्यूटिफुल, सबने राइट बोला सर, रिजल्ट में आ रहा है. रिजल्ट में तो रैंकिंग का फीलिंग है ना. ओके, पास फेल, अगर गुड से बैड बोले तो पास फेल, बैड से गुड बोले तो फेल पास. एक रैंकिंग का फीलिंग आ रहा है, एक ऑर्डर का फीलिंग आ रहा है. जबकि जेंडर में तो कोई ऑर्डर का फीलिंग नहीं है कि मेल फीमेल या फीमेल मेल, ठीक है ना. तो इसका मतलब रिजल्ट एक अलग तरह का क्वालिटेटिव वेरिएबल है, विच इज कॉल्ड ऑर्डिनल रैंक. और जो जेंडर है वो एक अलग तरह का क्वालिटेटिव वेरिएबल है, विच इज नॉमिनल. तो नॉमिनल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल वेयर देर इज नो रैंकिंग, देर इज नो ऑर्डर. ये पहले, ये बाद में, देर इज नो ऑर्डर. ऑर्डिनल इज ऑल्सो अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. ओके, इट इज ऑल्सो अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. इट इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव वेरिएबल वेयर देर इज एन ऑर्डर. हैव आई कम्युनिकेटेड माई सेल्फ? क्या मैं एक्सप्लेन कर पाया? ये मैं कहाँ चला गया? मैं LOSA में चला गया. सर ये कोई खेला है क्या? आप तो जैसे तैसे डांस कर रहे हो. हाँ, इससे बोरिंग नहीं होता है. जब एग्जाम्पल के अंदर ही ये सब बताते हैं तो बोरिंग नहीं होता है. ओके, और वैसे बताएंगे बच्चों तो इन दैट केस अलग तरह से होगा. ठीक है, ओके. तो आप लोग बताइए प्लीज, आप लोग बताइए जो स्टॉक्स है NSE में, जो लिस्टेड स्टॉक्स है NSE में, निफ्टी में तो केवल 30 स्टॉक्स है पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनको मैं डिवाइड कर रहा हूं इनटू एनर्जी, सीमेंट,
मेडिसिन इंडस्ट्री वाइज डिवाइड कर रहा हूँ कि अगर बाय चांस एनएससी में से 2000 स्टॉक्स है, 2000 स्टॉक्स, उनमें से एनर्जी स्टॉक्स कितना है सर 42, सीमेंट स्टॉक्स कितना है सर 37, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कितना है सर 112, इस तरह और भी है ठीक, और भी इंडस्ट्रीज है आईटी एंड ऑल दैट, ये है। तो टेल मी समथिंग, ये जो मैंने किया यहां पे एनर्जी सीमेंट मेडिसिन, यानी ये क्या हो गया इंडस्ट्री, क्या हो गया इंडस्ट्री या सेक्टर। तो ये इंडस्ट्री इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल और अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। पहला क्वेश्चन है इंडस्ट्री इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल या एक न्यूमेरिकल वेरिएबल। इंडस्ट्री इज न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज ऑब्वियसली कैटेगोरिकल, इंडस्ट्री इज कैटेगोरिकल ठीक है। एंड इट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, इट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, इट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, इट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्या कोई ऑर्डर है? ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, नॉमिनल है, इट इज नॉमिनल ओके, देयर इज नो ऑर्डर इन्वॉल्व, इट इज नॉमिनल। कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है ठीक है। नहीं सर, बाद में जो फ्रीक्वेंसी है ना, आप बोले 42 कंपनीज है, इनको तो हम बाद में कर सकते हैं ना, कि जैसे जिस सबसे कम थी फ्रीक्वेंसी वाले को पहले लिख देंगे और ज्यादा वाले को बाद में, वो एक अलग चीज है यार। हम लोग बोल रहे हैं एज सच एनर्जी ऊपर सीमेंट नीचे, ऐसा कोई ऑर्डर थोड़ी है ठीक है। तो इट्स अ नॉमिनल वेरिएबल, सेक्टर क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन इज अ नॉमिनल वेरिएबल, इट इज नॉट एन ऑर्डिनल वेरिएबल। बहुत बढ़िया। जबकि इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैप लेस देन इक्वल टू 100 करोड़ है, मिड कैप जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है बट 300 करोड़ से नीचे है, लार्ज कैप जिनका मार्केट कैप 300 से ऊपर है लार्ज कैप, तो कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग ये तीन कैटेगरीज निकाले, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, दिस इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, दिस इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, दिस कैटेगराइजेशन इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, दिस इज नॉट न्यूमेरिकल, दिस इज नॉट न्यूमेरिकल, दिस इज कैटेगोरिकल, दिस इज कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का एक न्यूमेरिकल बेसिस है, कैटेगरी निकालने का एक न्यूमेरिकल बेसिस है, एक आधार है, वो एक अलग बात है। बट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप आर अल्टीमेटली कैटेगोरिकल वेरिएबल ओके, कैटेगोरिकल है, मार्केट कैप ओके कैटेगोरिकल है, और ये ऑर्डिनल है बिकॉज इसमें एक ऑर्डर है, इसमें एक ऑर्डर है, ऑर्डर ओके, स्मॉल मिड लार्ज या लार्ज मिड स्मॉल ठीक है। तो दिस इज ऑर्डिनल, दिस इज ऑर्डिनल ऑर्डिनल ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप जाने सर, स्मॉल कैप के अंदर भी तो नॉमिनल हो सकता है, आई डोंट नो क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट और बोलना चाह रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर इंडस्ट्रीज हो सकता है, एनर्जी सीमेंट हाँ हो सकता है, तो उसका बात थोड़ी चल रहा है, सारा बात थोड़ी कर लेंगे। नेक्स्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट रेटिंग ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, ये सब जो रेटिंग्स है, दिस इज व्हाट नॉमिनल और ऑर्डिनल। ट्रिपल ए, डबल ए, ए ट्रिपल बी, डबल बी, बी, ये नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? रेटिंग्स जो बॉन्ड्स को रेटिंग्स देते हैं, दैट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, दैट इज ऑर्डिनल, ऑर्डर है ना। जो ट्रिपल ए है वो सबसे ज्यादा सेफ है, डबल ए कमती सेफ है, ए उससे कमती सेफ है ठीक है ना। तो इससे आपको ये पता चला कि सर डेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटेगोरिकल डेटा और एक होता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल माने क्वांटिटेटिव, जैसे अर्निंग्स पर शेयर ठीक है, शेयर प्राइस, तो दीज आर ऑल न्यूमेरिकल डेटा ठीक है। और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा,
और क्वालिटेटिव डेटा जो है कैटेगोरिकल, वो दो तरह का होता है, एक नॉमिनल जिनमें कुछ ऑर्डर नहीं है और एक ऑर्डिनल जिसमें कुछ ऑर्डर है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आइए तो बात हो रहा था जेंडर और पास फेल का, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मार्जिनल फ्रीक्वेंसी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है ना। नाउ अब मैं अंदर के फिगर्स भर रहा हूं, तो अंदर के जो फिगर्स है वो ये हैं। अगर ये 70 है तो बाकी क्या होगा, 55, वो होगा 230, और ये होगा कितना, 145, ठीक है ना। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो ये डेटा आया अपना, दिस इज द डेटा दैट वी हैव, दिस इज द डेटा दैट वी हैव। नल हाइपोथेसिस, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं चल रहा, दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। नल हाइपोथेसिस, जेंडर एंड रिजल्ट्स लिख लीजिए, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्लीज लिखिएगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिपेंडेंट, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, डिपेंडेंट। तो मेरा अजम्पशन है जो आप लोग का था कि सर मेरे ख्याल से तो पास फेल जो है ना वो जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, नहीं डिपेंडेंट है। होप आप लिख लिए, इफ यू आर नॉट राइटिंग समथिंग इन दैट केस बाद में आप स्क्रिबल नहीं कर पाओगे क्लास से मोटा मोटी क्या हुआ था। प्रॉपर नोट्स तो देंगे, डोंट वरी, डेफिनेशनल नोट्स जो होते हैं ना वो देंगे तुमको, बट वो नोट्स से कहीं ज्यादा ये वाला नोट्स है, जो स्क्रैची नोट्स है, जो रफ नोट्स है, ठीक है, जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड नोट्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो अपने लिखे हैं इसमें टोटल यहां 500 लिख रहा हूं, ये जो 70, 230, 55 और 145 है, ये सब तो ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज था, याद होगा आपको। इनको बोलते हैं यहां पे, ये जो डिस्कशन हो रहा है अपने बीच में, इनको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। क्या ये ऑब्जर्व्ड मार्जिन, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, नोटेशन एफ ओ, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एफ ओ, ऑब्जर्व्ड। मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एफ ई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एफ ई, ठीक है। वो निकालने के लिए मेरे को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, लेट मी डाइवर्ट एंड आस्क यू। There is a student called Rahul in Delhi. He is going to sit for the CFA level 1 exam. And I am telling you, the probability of Rahul passing is 80%. Okay? Ye alag discussion ho raha hai. There is a student from Ahmedabad. His name is Sujata. Her name is Sujata. And probability of her passing the exam, ठीक है, is 70-70%. Rahul and Sujata do not know each other. They have no connections. They are sitting for the exam independently.
राहुल अपना बैठ रहा है, सुजाता अपना बैठ रही है. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ राहुल एंड सुजाता विल पास द एग्जाम? What is the probability that both Rahul and Sujata will pass the exam? I have not taught you probability. You can guess. Some students are giving right answers. क्या चांस है कि दोनों के दोनों एग्जाम पास करेंगे? Given that दोनों independently exam के लिए बैठ रहे हैं, answer है 56%. 56% कैसे आया वो आपने देख लिया होगा. 56% कैसे आया वो आपने देख लिया होगा. 56% कैसे आया वो आपने देख लिया होगा. तो 56% आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ राहुल पासिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता पासिंग. ओके, 0.8 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.56. इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. ज्वाइंट व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है द चांस. व्हाट इज द चांस दैट समथिंग विल हैपन? बट यू आर टॉकिंग अबाउट ज्वाइंटली टू थिंग्स हैपनिंग. राहुल एंड सुजाता बोथ पासिंग, दैट्स कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. एंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. पर ये फॉर्मूला तभी अलाउड है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, हैव वी डन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर? नो, वी हैवंट डन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर. ठीक है, व्हाट डू आई डू इफ देयर आर स्टफ in this chapter which are related to coming chapters? I can't go to the probability chapter first, finish that and then come to the first chapter, because then probability chapter related to this chapter. ठीक है, तो such frustrations would not be entertained. ठीक है, you have to understand things. तो इसको बोलते हैं joint probability for independent events. ठीक है ना, कि दोनों को multiply कर दो. पर multiply करना तभी allowed है जब दोनों independent हैं. ठीक है ना. Okay, coming back to it, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर नाउ यू आर कॉलिंग देम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, पहले आपने बोला था ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टुपिडिटी वाला क्वेश्चन है, जवाब स्टुपिडिटी वाला ही होगा. सो देयर मे बी 150 मूवीज इन विच शाहरुख खान इज एक्टेड, और शाहरुख खान का नाम अलग अलग मूवी में, सपोज किसी मूवी में शाहरुख खान का नाम था राहुल, तो कोई बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शाहरुख खान एंड राहुल? अरे ये जो अंदर में है 72, 30, 55, 145, दिस इज जेनरली कॉल्ड ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी फॉर द पर्पस ऑफ कंटिंजेंसी टेबल का एप्लीकेशन जो अपने कर रहे हैं अभी, इंडिपेंडेंस का टेस्ट. इंडिपेंडेंस का जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें इसको बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. तो ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी शाहरुख खान, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज अ मूवी गोइंग ऑन जिसमें उसका नाम है ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, तो जिसने पूछा था मैं नाम नहीं लूंगा, उसको जवाब मिल गया होगा. If that person is not satisfied, can't help, because जवाब कहीं है भी नहीं. ठीक है ना, stupidity वाला question है. So I was saying, tell me something. What is the probability that 500 में से एक student को randomly pick करे अपने? मैं question पूछ रहा हूँ. 500 में से ऐसे एक student को pick up किए, what is the chance he is a female? The student is a female. Look at the table. Pass fail का बात नहीं हो रहा है. मैं पूछ रहा हूँ what is the probability of male? Sorry, what is the probability of male? Male का बताना. What is the probability of male? 500 students है ना, मैंने randomly pick किया. What is the chance of male? Yes, correct answer आ रहा है. Sir, 300/500, 60%. 300/500. What is the probability of female? 40%. कौन माइका लाल है जिसको समझ में नहीं आया? Probability of male 300/500, 60%. Probability of female 200/500, 40%. This is called common sense. Okay. What is the probability of passing? Male female नहीं पता. What is the probability of passing? Pass percentage क्या था? What is the probability of passing?
125 by 500, 25%. What is the probability of failing? What is the probability of failing? 75%. 75%. Correct? Okay. Ek minute. So, main table draw kar raha hun. Male, female, pass, fail. Male ka probability hai 60%. Female ka probability hai 40%. Pass ka probability hai 25%. Fail ka probability hai 75%. कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया नंबर्स कहां से आया है, बोल सकते हैं ये नंबर्स कैसे आया? किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो इस टेबल से मेल 300 है आउट ऑफ 500, तो 300 बाई 500 60%, फीमेल 200 आउट ऑफ 500, 200 बाई 500 40%, पास 125 जन हुए आउट ऑफ 500, 125 बाई 500 25%, फेल 375 पीपल हुए आउट ऑफ 500, तो 375 बाई 500 विच इज 75%. क्लियर? ओके, तो इसके बेसिस पे इफ वी हैव टू फाइंड आउट दिस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ये वाला ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन पास, क्या चांस है कि एक पर्सन जिसको चुनेंगे अपने 500 में से वो मेल है एंड वो पास करे, दोनों चीज एक साथ. What is the probability of male intersection passing? Assuming independence, because अपना null hypothesis चल रहा है independence. What is the probability of male intersection passing? Intersection का मतलब होता है and. Male भी and pass भी करेगा, तो लोगों का answer आ रहा है 15%. 15%. समझ में आया? Multiply कर दिए 0.6 into 0.25, 15%. I don't know, कुछ लोग 14% कैसे बोल रहे हैं. 15%. तो जो कैलकुलेट हो रहा है उसको रेड में लिख रहा हूं 15%. ओके, क्या आप बाकी के फिगर्स भर सकते हैं? आप तो लिख रहे होंगे ना, तो आप बाकी के फिगर्स खुद भर लीजिए. चेष्टा, आयुष, अनिमेश, जिबिन, सभ्यसाची, प्लीज फिल अप द रिमेनिंग फिगर्स इन द बॉक्स. आई होप यू आर फिलिंग अप द बॉक्स. भर लीजिए, भर लीजिए. उन्नति, वैभव, यस, भर लीजिए आप, नो इश्यूज. तो ये शायद आ रहा है 45%, ये शायद आ रहा है 10%, और ये आ रहा है 30%. एम आई राइट? भर गया होगा सारा, मल्टीप्लाई करके आया है. प्लीज ये मत पूछना है नंबर्स कैसे आया, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से आया. 60 into 25 15%, 60 into 75 45%, 40 into 25 10%, 40 into 75 30%. सर, बट ये तो अज्यूम कर रहा है कि आप मान रहे हैं इंडिपेंडेंट है. यस, ये अज्यूम कर रहा है इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, तब जाके मल्टीप्लाई करना अलाउड है. सर, वरना कैसे होता है? वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सीखेंगे. अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सीखेंगे. अभी नहीं सिखा सकता और नहीं सिखाने का जरूरत है, ठीक है ना? ओके, तो अगर ऐसा है तो आपको याद है टोटल में 500 जन थे, टोटल में 500 जन थे, तो इन दैट केस अगर अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बनाएं, बनाइए और एक टेबल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, तो 500 का 15% यहां आना चाहिए. 500 का 15% क्या? बोलो, 500 का 15% क्या? बिकॉज तुमने 15% निकाला ना यहां, तो 500 का 15% क्या? 75. बहुत अच्छे, चलो भर दो बाकी का, बाकी का भरो, बाकी का भरो. ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आया है उसको 500 पे लगा के बाकी का नंबर्स भरो. ओके, ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है उसको 500 पे लगा के बाकी का नंबर्स भरो. यस, प्लीज भरो. मार्जिनल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मेल 300 है, ये 200 है, ये 500 है, ये 125 है, ये क्या है 375. तो बाकी का नंबर्स आप भर रहे होगे, इसका मतलब 45% ऑफ 500, 45% ऑफ 500 225, ये वाला 10% ऑफ 500 यानी 50, और ये वाला 30% ऑफ 500 30% था क्या? यस, 30% ऑफ 500 150 क्या?
150, ये आया, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो व्हाट आर दीज? दीज आर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड। दीज आर एफ ई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस। दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस। लेट्स लुक एट द ऑब्जर्व्ड, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज वे दीज, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज वे दीज 70, 55, 230, 145 वेर ऑब्जर्व्ड एफ ओ, दीज वे ऑब्जर्व्ड एफ ओ एंड दीज आर एक्सपेक्टेड। टेल मी समथिंग, डिड ओनली 500 कैंडिडेट्स अपियर फॉर द सी एफ ए एग्जाम इन मे 2021 और दिस वॉज जस्ट अ सैम्पल? ये 500 स्टूडेंट्स पॉपुलेशन था कि सैंपल था? ये 500 स्टूडेंट्स पॉपुलेशन था कि सैंपल था? ये तो जस्ट एक सैंपल था, ठीक है। तो इस सैंपल के बेसिस पे आपका फर्स्ट फीलिंग क्या है? ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है यहां पिंक में और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है रेड में, ये दोनों आपको पास पास दिख रहा है कि दूर दूर दिख रहा है? ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है पिंक में और जो रेड में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों आपको बगल बगल में क्लोज क्लोज दिख रहा है, नियर नियर दिख रहा है या फार अपार्ट दिख रहा है? क्लोज क्लोज दिख रहा है। ये जो क्लोज क्लोज दिख रहा है ये आपने अपने फीलिंग से बोला, ये जो क्लोज क्लोज दिख रहा है ये आपने फीलिंग से बोला, फीलिंग से, ओके, फीलिंग से बोला सर क्लोज क्लोज दिख रहा है। तो अगर आप ये कंक्लूड करते क्लोज क्लोज दिख रहा है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम है, मोटा मोटी सेम है, मोटा मोटी सेम है, मोटा मोटी सेम है, ठीक है ना। तो इन दैट केस क्या कंक्लूड करें? जो नल हाइपोथेसिस था जेंडर एंड रिजल्ट्स आर इंडिपेंडेंट और एच वन था डिपेंडेंट, तो नल हाइपोथेसिस क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया कि फेल टू रिजेक्ट हुआ? नल हाइपोथेसिस कि सर इंडिपेंडेंट है वो रिजेक्ट हुआ या फेल टू रिजेक्ट हुआ? फेल टू रिजेक्ट, सॉफ्ट वर्ड एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड सॉफ्ट वर्ड है, ओके, बट एक्सेप्ट वर्ड अलाउड नहीं होता है स्टैट्स में। क्यों नहीं अलाउड होता है वो हाइपोथेसिस बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल वर्ड होता है फेल टू रिजेक्ट, पर आप अभी एक्सेप्टेड बोल सकते हो। तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया है, कोई बोल रहा है प्रूव हो गया है, ठीक है ना। एक्चुअली प्रूव भी नहीं बोल सकते हैं बिकॉज केवल सैंपल डेटा है, इसलिए, तो इसलिए वी यूज अ सॉफ्ट वर्ड फेल टू रिजेक्ट। गिवन द सैंपल डेटा वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट, ठीक है ना। और लूजली बोले तो एक्सेप्ट हो गया, यस सर जेंडर और रिजल्ट इंडिपेंडेंट हैं, पर क्या आपको लगता है, क्या आप लोग लगता है रियल लाइफ में स्टैट्स इतना बेसहारा है? रियल लाइफ में स्टैट्स इतना बेसहारा है कि वो दो टेबल्स नियर है कि फार अपार्ट है? ये एफ ओ और एफ ई नियर है या फार अपार्ट है वो देख देख के डिसाइड करेगा? डू यू थिंक स्टैट्स इतना बेसहारा है कि क्या ये पिंक वाला और रेड वाला पास पास है कि दूर दूर है वो ये लोग फीलिंग से देख के डिसाइड करेगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये देख के डिसाइड करेगा? कोई हालत में नहीं। वो तो मैंने जान पूछ के नंबर्स ऐसा लिखा था, आई वॉज टेकिंग माई ओन टाइम वेन आई वॉज राइटिंग द नंबर्स, मैं जान पूछ के समय लेके लिख रहा था। तो मैं जान पूछ के ऐसा नंबर्स लिखा था कि जो रेड वाला नंबर्स आए वो पिंक वाले से एकदम सटा हुआ आए। तो मैंने ऐसा लिखा था कि तुम लोग सब बोलो हाँ सर एकदम पास पास है, कोई भी नहीं बोला दूर है, सब जन बोला एकदम माइनर डिविएशन है पास पास है। तो आई डिड इट पर्पसफुली, बट द नंबर्स कुड हैव बीन जरा सा डिफरेंट, से ये 85 होता और ये वाला 40 होता, ठीक है, ये 210 होता, ये 170 होता। अगर ऐसा होता तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते, सर कैसे बोल रहे हैं यार, देख के कैसे बोल देंगे हम लोग, देख के कैसे बोल देंगे। तो उस केस में देर इज समथिंग कॉल्ड, देखो कितना गंदा फॉर्मूला है, समेशन एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, ठीक है। लुक एट द बैड फॉर्मूला, एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। सर कॉपी करना है क्या? हाँ कॉपी करना है। इस चैप्टर में ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट देन बाद के चैप्टर में है। तो अगर बाद के चैप्टर में है तो उसका बीज बोने में क्या हर्ज है? इफ आई बो द सीड्स ऑफ द लेटर चैप्टर राइट नाउ इट्स गुड ना, ठीक है। एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई, प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी। दिस इज वॉट फीलिंग से डिसाइड नहीं करेंगे कि वेदर एच जीरो एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, स्टैट्स करके करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तभी तो नाम होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग,
कॉपी कर लिए। इसका नाम है दिस इज कॉल्ड काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक, दिस इज द सिंबल फॉर काई स्क्वायर, चाय एच साइलेंट है, खराब में बोलू तो चाई स्क्वायर स्टेटिस्टिक, ओके काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक, ठीक है कोई नाम दे दिए छोड़ो अभी तुम हंसी उड़ाओ ना, कोई नाम दे दिया चीचा चू जो भी है, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक समेशन एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर बाई एफ ई। आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट दिस फॉर मी, आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट दिस फॉर मी, फॉर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फॉर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 70 एंड वॉट वॉज द फिगर 75 70 75। नाउ द सॉन्ग आ देखे जरा किसमें कितना है दम, 70 75 70 is FO, 75 is FE, it's an easy calculation. My calculation shows minus 5 the whole square, 25 divided by 75, I think 1/3 are, 1/3, 0.33, 1/3 are, we don't want a percentage, we want exact figure, don't calculate a percentage, it's 0.3333, it's 0.3333, okay, so let me make the table. So we have male, we have female, we have pass, we have fail, you have got 0.3333 over here, theek hai na. नेक्स्ट फिगर, चलिए नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर था उसके नीचे वाला 55, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 55 50 55 50, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 का डिफरेंस है 5 का होल स्क्वायर, 25 डिवाइडेड बाय 50, 25 बाय 50 है ना, एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई, सो एफ ओ वॉज 55, FE is 50, difference is 5, 5 ka square, 25 divided by 50, 0.5, beautiful, 0.5, I can see people participating. Next, wo upar wala, first row, second column, 230 compared to 225, 230 is FO, 225 is FE, so 230 minus 225 is 5, 5 ka whole square, 25, 25 divided by 225. 25 by 225 is 1/9, 1/9 is 0.1111, correct, 0.1111, correct, beautiful. Last one, the pink one, observed 145 and 150, 5 ka square 25, 25 by 150, 1/6, 0.1667, जो लोग कैट दे रहे उनका फ्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग होता है, 0.1667 0.1667, एंड व्हाट्स द टोटल, व्हाट्स द समेशन, यू नो दिस इज कॉल्ड समेशन, तो व्हाट इज द समेशन, व्हाट इज द टोटल, 0.3333 प्लस 0.1111 प्लस 0.5 प्लस 0.1667, 0.3333 प्लस 0.1111 प्लस 0.5 प्लस 0.1667, यस प्लीज, व्हाट इज इट कमिंग टू, इट्स कमिंग टू 1.1111, इज इट, या इट्स कमिंग टू 1.1111, इट्स कमिंग टू 1.1111, 1.1111, ओके, सो There is a distribution of this type. Please draw कीजिए काई स्क्वायर कैसा होता है, दिखा रहा हूं, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस पे काई स्क्वायर है, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है, एक्स एक्सिस पे काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर मतलब एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर बाय एफ ई, और y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन वैल्यूज अक्रॉस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर, ठीक है, और इसमें ये जीरो है, ये जीरो है, तो जाहिर है
जो 1.1111 है वो कहाँ है? तो 1.11 इधर कहीं होगा, आई डोंट नो, यहाँ कहीं होगा 1.11, ठीक है ना? नाउ अगर अपना एफ ओ और एफ ई सब बराबर आता, जस्ट इमेजिन अगर ये रेड वाला सारा फिगर्स पिंक वाले से मैच होता, वो पूछ रहा है 1.1111 कैसे आया, टाइम बर्बाद करना इसी को बोलते हैं। आई डोंट नो कौन से स्लाइड में मेरा जहां मैंने कैलकुलेट किया था, ये रहा इनका टोटल आया। रोहित वासवानी इज आस्किंग 1.1111 कैसे आया, इनका टोटल आया, टोटल। रोहित वासवानी इज आस्किंग 1.1111 कैसे आया, इसका टोटल आया। चलो करते हैं साथ में रोहित, 0.3333 प्लस 0.1111 प्लस 0.5 प्लस 0.1667। पॉइंट 3333, गॉट इट, थैंक्स, ठीक है, ओके। सो आई वाज सेइंग कि भूल गया मैं क्या पूछ रहा था, हाँ, अगर मैं पूछ रहा था कि एफ ओ और एफ ई बराबर आता, बाई चांस ये भी आता 70-45 वैसे ही आता, जो पिंक वाला फिगर्स है ना, अगर वही रेड वाला फिगर्स होता तो काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक क्या आता बताइए? अगर एफ ओ और एफ ई सेम आता तो काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक क्या आता? जीरो आता, जीरो आता, बहुत बढ़िया, जीरो आता। इसका मतलब इधर आता इधर प्लॉट होता, जीरो आता मतलब इधर प्लॉट होता ना, जीरो आता मतलब इधर प्लॉट होता। और अगर एकदम पास आता, अगर एकदम पास आता, मैंने जैसे 70 था, ये आता 70.2, वहां था 55 तो आता 54.9, एकदम पास आता एफ ओ और एफ ई, तो फिर काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक क्या आता? अगर एकदम पास आता, एकदम सटा हुआ, एग्जैक्ट नहीं पर, तो जीरो से एकदम पास आता है ना, यहां प्लॉट होता, यहां प्लॉट होता, थोड़ा दूर आता तो यहां आता, 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 बहुत दूर आता यहां आता, बहुत दूर यहां, 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 कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, ठीक है, करेक्ट है, कुछ भी आ सकता था, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो ये वाला नंबर है, यहां पे काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक कब आता? जब एफ ओ और एफ ई दूर होते कि पास होते? ये जो मैंने सर्कल किया है, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक वहां पे कब जाता? जब एफ ओ और एफ ई दूर होते कि पास होते? दूर होते कि पास होते, जो मैंने सर्कल किया है वो वाला फिगर्स काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक का कब आता? जब एफ ओ एफ ई दूर होते कि पास होते? दूर होते, दूर। और अगर दूर होते तो तुम एच जीरो को एक्सेप्ट करते कि रिजेक्ट करते? अगर दूर होता, अगर दूर होता एफ ओ एफ ई तो तुम एच जीरो को एक्सेप्ट करते कि रिजेक्ट करते? अगर ये दूर होता एफ ओ और एफ ई, एफ ओ 70 ये 90, तो इन दैट केस तुम एक्सेप्ट करते कि रिजेक्ट करते एफ ओ को? तुम एच जीरो को रिजेक्ट करते कि सर नहीं डिपेंड करता है जेंडर पे, तुम ये बोलते ना? तो इसके लिए, इसके लिए हाइपोथेसिस चैप्टर जब करेंगे ना, हाइपोथेसिस चैप्टर जब करेंगे अपने, तो हाइपोथेसिस चैप्टर में अपने को टेस्ट करने के लिए एक फिगर देता है अल्फा 5%, मन से बोल रहा हूँ, 5 देता है या 1 देता है या 2% देता है, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या करता है? यहाँ पे 5% शेड करना है, ये 5% है, ये 5% है, बोलता राइट में जाके 5% शेड कर लो। अगर 1% बोलता तो मैं और अंदर घुस जाता, बिकॉज ये टोटल एरिया 100% है। कोई भी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 100%। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल एरिया इस ग्राफ के अंदर 100% है। तो जब वो लोग 5% देता है, हम लोग कोने में जाके 5% शेड करते हैं। जब लोग 1% देता है तो कोने में जाके 1% शेड करते हैं। जब वो लोग 10% देता है, कोने में जाके 10% शेड करते हैं। तो ये जो 5% दिया, उससे ये जो बाउंड्री आया ना, देखना ये जो बाउंड्री आया, ये बाउंड्री में कोई वैल्यू है? ये बाउंड्री में कोई वैल्यू है? ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं काई स्क्वायर क्रिटिकल। क्या बोलते हैं? काई स्क्वायर क्रिटिकल। और जो मैंने शेड किया है ना, इस रीजन को बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। ये जो शेड किया है, ये हो गया फेल टू रिजेक्ट रीजन, ये हो गया फेल टू रिजेक्ट रीजन, जो 95% है। फेल टू रिजेक्ट, क्या चीज को रिजेक्ट करने का बात हो रहा है? एच जीरो, ठीक है, फेल टू रिजेक्ट।
तो अगर अपना काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक जो 1.11 आया था, 1.11 वो इधर लाई करता है, तो हम लोग मानेंगे यार बहुत दूर है, बहुत दूर, रिजेक्टेड। पर अगर अपना काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक यहाँ लाई करता है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग मानेंगे यार ये तो जीरो के पास है, तो एफ ओ एफ ही पास है, तो हम लोग एक्स जीरो को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अगर मेरा काई स्क्वायर 1.11 यहाँ आया तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्स जीरो सही है, पर यहाँ आया तो रिजेक्ट कर देंगे। पर 1.11 यहाँ है या यहाँ है, इसके लिए तुमको क्या चाहिए? 1.11 इधर में प्लॉट हो रहा है कि इधर में प्लॉट हो रहा है, ये जानने के लिए तुमको क्या चाहिए? कहाँ प्लॉट हो रहा है ये जानने के लिए तुमको क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, एफ ओ एफ ही नहीं चाहिए। 1.11 से तो एफ ओ एफ ही तो 1.11 निकाल लिए। तुमको काई स्क्वायर का क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, अल्फा चाहिए, अल्फा 5% दे दिया ना मैंने तुमको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दे दिया, तुमको ये चाहिए, ये पता चल जाए। मैं बता रहा हूँ तुमको, ये सपोज ये है 2.29, ये 2.29 है, अगर ये 2.29 है, 2.29, तो 1.11 कहाँ है? अगर ये 2.29 है तो 1.11 कहाँ है? अगर ये 2.29 है तो 1.11 कहाँ है? बताओ, अगर ये 2.29 है तो 1.11 कहाँ है? लेफ्ट में है, बहुत बढ़िया। तो सर 1.11 उस केस में यहाँ है ना, तो एक्सेप्टेड हो गया, एच जीरो सर ट्रू है, हम लोग रिजेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना। बट अगर ये काई स्क्वायर क्रिटिकल 0.29 है, अगर ये काई स्क्वायर क्रिटिकल 0.29 है, अगर ये 0.29 है, तो उस केस में 1.11 कहाँ है? तो 1.11 तो फिर इधर हो गया, 1.11 इधर हो गया, ठीक है। अगर वो 0.29 है तो 1.11 तो कोने में हो गया, कोने मतलब दूर हो गया, तो एच जीरो रिजेक्टेड। तो काई स्क्वायर क्रिटिकल अगर आ जाए तो हम लोग का काम हो जाता। ये काई स्क्वायर क्रिटिकल बाद में सीखेंगे, लेटर, टेबल से आता है या एक्सेल से, एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में ना टेबल ना एक्सेल, एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में गिवन। रियल लाइफ में टेबल से आता है या फिर एक्सेल से आता है और एग्जाम में दिया रहेगा। मैं अभी बता रहा क्यों नहीं हूँ, बताने को एक्सेल से बता सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सर क्या ग्राफ बनाए, समझ में ही नहीं आया, बहुत सारे इश्यूज आने वाला है अभी। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारे इश्यूज आने वाला है, बिकॉज इट इज द एंटायर स्टेटिस्टिक्स जो आगे जाके है, ठीक है ना। और वो मैं यहाँ पे जिस्ट देते जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नोबडी कैन बी टोटली सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है सर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पा रहे अभी, ठीक है वो बाद में बताएंगे, बट यार मोटा मोटी आइडिया हो गया व्हाट आर वी डूइंग। तो ये जो चल रहा था, एक बार वो खोले जहां से स्टार्ट हुआ था, ये चल रहा था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिंजेंसी टेबल, ये चल रहा था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिंजेंसी टेबल। फर्स्ट एप्लीकेशन था कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें एक क्लासिफिकेशन मॉडल है उसका एक्यूरेसी चेक करते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिंजेंसी टेबल ये क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है उसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उसमें बहुत जोर का एप्लीकेशन काई स्क्वायर का है। ओके, दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जैसे कि अपने में था जेंडर और पास फेल, वेदर वो इंडिपेंडेंट है या द पास फेल डिपेंड्स अपॉन जेंडर, बिकॉज जब मैंने क्वेश्चन चालू किया कितने बढ़िया से आप पार्टिसिपेट कर पाए थे कि तुम लोग बताओ सी एफ ए में पास फेल क्या मेल फीमेल पर डिपेंडेंट है, सब जन ने पार्टिसिपेट किया था, इसका मतलब दैट एग्जाम्पल सिंक इन टू यू, इट इज लॉजिकल दैट यू पिक अप द स्टफ नॉट विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, बैठ के रट रहे हैं, यू लुक एट द एग्जाम्पल एंड देन गो टू जनरलाइज, तो पर्टिकुलर टू जनरल, डोंट गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर इज अ बैड वे ऑफ स्टडिंग क्यू एम, एग्जाम्पल से देन जनरलाइजिंग इज अ गुड वे ऑफ स्टडिंग क्यू एम, समझ गए।
तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। ये जो दो एट्रीब्यूट थे ना, जेंडर और रिजल्ट्स, इनमें जेंडर में दो लेवल्स था, मेल फीमेल। अब मैं और एक ले सकता था ट्रांसजेंडर, तो तीन लेवल हो जाता, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, देयर इज नो इश्यू। इवन अ ट्रांसजेंडर पर्सन कैन परस्यू सीएफए प्रोग्राम एंड यू नेवर नो दैट पर्सन मे बी अ बेटर एनालिस्ट, ठीक है। सो आई कुड हैव टेकन थ्री लेवल्स, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, बट वी डिड नॉट बिकॉज द नंबर्स आर वेरी फ्यू, सो इट वॉज इलॉजिकल फॉर मी टू गो इन टू द ट्रांसजेंडर वाला थिंग, ठीक है ना। आई मीन टू से दैट जो दो एट्रीब्यूट्स है, जो दो एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर टेकिंग ओवर हियर कंट्री, कंट्री मतलब वी आर टेकिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इंडिया, चाइना, दूसरा एग्जाम्पल हो गया इंडिया, चाइना, ब्राजील। तो ये एट्रीब्यूट क्या हुआ, कंट्री, या कंट्री इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल प्लीज, कंट्री इज एन ऑर्डिनल वेरिएबल और अ नॉमिनल वेरिएबल, इट इज ऑफकोर्स क्वालिटेटिव, कंट्री इज एन ऑर्डिनल वेरिएबल और अ नॉमिनल वेरिएबल, कंट्री इज एन ऑर्डिनल वेरिएबल और नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल। ये थोड़ी कि चाइना पहले आएगा इंडिया बाद में आएगा, फिर कोई बोलेगा नहीं सर पर पॉपुलेशन वाइज तो ऐसा होगा, नहीं सर पर इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज तो ऐसा होगा, नहीं सर पर कैपिटल जीडीपी वाइज, फालतू बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जनरल बात हो रहा है, ओके। आई डिडंट से व्हाट वाइज, इट्स अ नॉमिनल वेरिएबल, इट्स अ नॉमिनल वेरिएबल। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ इंडिया चाइना और ब्राजील, इंडिया चाइना और ब्राजील का, इंडिया चाइना और ब्राजील का आई एम स्टडिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन। तो मेरा दूसरा एट्रीब्यूट है लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन है अप टू हाई स्कूल, अप टू हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, मास्टर्स, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो मैंने लेवल ऑफ एजुकेशन को चार में क्लासिफाई कर दिया है, अप टू हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, मास्टर्स, ठीक है, ये क्लासिफाई कर दिए। अब मैं इंडिया से डेटा ले लिया 20,000 लोगों का, यहां से भी सपोज 20,000 या 25,000 का ले सकते हैं, और यहां से भी सपोज 20,000, इन ऑर्डर टू इंश्योर डेट मैं 20,000 नहीं लूं, मैं ले लिया 15,000, आई डोंट मीन टू से डेट बराबर लेना पड़ेगा, आई कैन टेक अन इक्वल, ठीक है। डेटा ले लिया और चेक किया, इंडिया में जो 20,000 डेटा लिया वो सैंपल है कि पॉपुलेशन है, इंडिया से जो 20,000 डेटा लिया वो सैंपल है कि पॉपुलेशन है, इंडिया में जो 20,000 डेटा लिया मैंने पूछा वो सैंपल है कि पॉपुलेशन है, सैंपल है ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स स्टिल अ सैंपल। तो इन दैट केस इंडिया में जो डेटा लिया उसमें अप टू हाई स्कूल कितना है, ग्रेजुएशन कितना है, पोस्ट ग्रेजुएट कितना है, पीएचडी कितना है, चाइना में जो डेटा लिया आ जाएगा ना ये सारा, तो ये जो टेबल निकलेगा इसमें रोज कितना है, कॉलम कितना है, इस टेबल में रोज कितना है, कॉलम कितना है, इस टेबल में रोज कितना है, कॉलम कितना है, मैंने पूछा रोज कितना है, कॉलम कितना है, प्लीज बताइए रोज कितना है, कॉलम कितना है, रोज फोर है, तीन कॉलम है, रोज फोर है, तीन कॉलम है, इट इज कॉल्ड अ 4x3 कॉन्टिंजेंसी टेबल, इट इज कॉल्ड अ 4x3 कंटिंजेंसी टेबल, इट्स कॉल्ड अ 4x3 कंटिंजेंसी टेबल, एंड कंटिंजेंसी टेबल इज कॉल्ड अ टू वे टेबल, टू वे टेबल, बिकॉज देर आर टू एट्रीब्यूट्स, टू वेरिएबल्स, टू वे टेबल, टू वे टेबल, बिकॉज देर आर टू वेरिएबल्स हुज फ्रीक्वेंसीज वी आर शेयरिंग, दो वेरिएबल्स है जिनका फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड अ टू वे टेबल। व्हाट्स अ वन वे टेबल, व्हाट्स अ वन वे टेबल, अ वन वे टेबल इज जो वो था ना जैसे मेल फीमेल और 300 200, व्हाट इज इट, मैंने केवल मार्जिनल फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है अपने डेटा का, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज जस्ट अ वन वे टेबल बिकॉज इट कैप्चर्स ओनली वन एट्रीब्यूट, व्हाट इज दैट, जेंडर, इट्स कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ वन वे टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो
अपना LOS नंबर C है, LOS नंबर C, बट when यू टेक टू और मोर attributes, टू ही लेते हैं, जैसे जेंडर ले लिए, रिजल्ट ले लिए, जेंडर रिजल्ट, या कंट्री ले लिए, एजुकेशन ले लिए, तीन तीन ले सकेंगे, पर वो बिल्ड ही उसका एग्जाम्पल दिया भी नहीं है. टू और मोर एट्रीब्यूट्स एंड यू शो द फ्रीक्वेंसीज, दैट्स कॉल्ड अ कंटिंजेंसी टेबल. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वन वे टेबल, कंटिंजेंसी टेबल इज अ टू वे टेबल. कंटिंजेंसी टेबल को टू वे टेबल बोलते हैं, ठीक है. वैसे तो मल्टी वे टेबल भी बोल सकते हैं, बिकॉज तीन तीन वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं एक साथ, ठीक है. एक कंट्री, एजुकेशन और उसके अलावा सपोज करप्शन, तो तीनों का मिला के टेबल दिखा देंगे, ठीक है. तो दैट्स अ थ्री वे टेबल, बट देन टू वे ही कॉन्सेंट्रेट किया गया सिलेबस में. तो एनी वेज वॉट आर सेम, तो इस पे सेम चीज हो सकता है ना. इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड टाइम, आई कैन फिल अप द फिगर्स एंड देन आस्क यू टू कैलकुलेट द एफ ई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के हेल्प से, एंड एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर. द पर्पस इज टू चेक वेदर एजुकेशन लेवल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्री और डिपेंडेंट ऑन द कंट्री. Education levels are independent or dependent. Suppose we reject the null hypothesis. Suppose we reject H0. Why? Because FOFE बहुत दूर आया. And we find that ये जो PhD और Masters है उसका India में percentage बहुत high है, ठीक है. China में percentage बहुत high है और Brazil में low है. India में percentage high है, China में percentage high है as compared to Brazil. So in that case, अगर हम लोग इकोनॉमिक फोरकास्ट कर रहे हैं अबाउट दीज इकोनॉमीज, तो इन दैट केस वो फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा कि सेट्रस पेरिबस गिवन अदर फैक्टर्स, इट सीम्स दैट इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा कर पाएगा, बिकॉज यहाँ PhD लेवल, मास्टर्स लेवल एजुकेशन होता है, एंड दीज पीपल कैन इनोवेटिवली ओके कम आउट विथ मोर रिसर्चेस एज कम्पेयर टू ब्राजील, विच वुड बी मोर अ कॉपियर, जो कि बाकी लोग का रिसर्च किया हुआ कॉपी करेगा, ठीक है. तो हर चीज काम आता है, एवरीथिंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड ऑल दैट कम्स टू यूज इन डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ. स्टैटिस्टिक्स जब नो पर्पस, अगर उसका कोई यूज नहीं आ पाए. प्रॉब्लम क्या होता है, जब बचपन में अपने ABCD सीखते थे या 1, 2, 3, 4, तो हमने थोड़ी समझते थे उसका एप्लीकेशन क्या होगा. वी जस्ट यूज टू स्टडी ABCD और 1, 2, 3, 4. वैसे ही प्रॉब्लम क्या होता है, इफ यू स्टडी समथिंग विदाउट इट्स एप्लीकेशन, इट्स वेरी वेरी बैड, मतलब इट्स वेरी रॉ, बहुत खराब है, इंटरेस्टिंग नहीं है, और पता नहीं, मतलब यू डोंट सी द लार्जर पिक्चर, वेयर डज इट फिट इन. तो CFA का स्टेटिस्टिक्स कोशिश करता है कि हमेशा एप्लीकेशन बता पाए, ठीक है. तो मैंने कंटिंजेंसी टेबल का मतलब बता दिया, ठीक है. इट्स कॉल्ड R into C टेबल, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 4 into 3 टेबल था, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. इट्स अ टू वे टेबल ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. ओके, ये क्या था, इट्स अ टू वे टेबल. ऊपर में जो टेबल था, इट्स अ टू वे कॉन्टिंजेंसी टेबल ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. इट्स अ टू वे कॉन्टिंजेंसी टेबल ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. टू वे कॉन्टिंजेंसी टेबल ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. टू वे कॉन्टिंजेंसी टेबल ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. ऑफ द ऑर्डर 4 into 3, ठीक है ना, ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. टू वे कंटिंजेंसी टेबल ऑफ द ऑर्डर 4 into 3. एक चीज बोलना भूल गया, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. ध्यान दीजिए, एक चीज प्लीज, आई नीड योर हेल्प. एक वर्ड बोल रहा हूं, तीन बार बोल रहा हूं, एक बार जिससे एक बार बैठ जाए, सुनना. बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल बाय टोटल टोटल. बोले सपोज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तुमको लॉजिक से नहीं निकालना है, मैं तो लॉजिक से निकाला था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी समझा के मेरे को बहुत खटनी हुआ था, बट सपोज तुमको मैकेनिकल करना है, तो रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय टोटल टोटल. प्लीज कॉपी कर ले, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय टोटल टोटल. रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय टोटल टोटल, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया होगा एज्यूम. तो उस केस में जहां पे 70 लिखा हुआ है, उसमें अपना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 75 आया था, आपको याद होगा. आप लोग इस फॉर्मूला से निकालो, ये जो फॉर्मूला बोला अभी, सॉरी, ये जो फॉर्मूला बोला इससे निकालो. 70 जहां खड़ा है उस रो का टोटल क्या है, 300. 70 जहां खड़ा है उस कॉलम का टोटल क्या है, 125.
70 जहां पे है उस रो का टोटल क्या है 300, 70 जहां पे उस कॉलम का टोटल क्या 125, और टोटल टोटल क्या है 500, करो कैलसी में 300 into 125 divided by 500 75 आ गया क्या, 300 into 125 divided by 500 75 आ गया होगा, 300 into 125 divided by 500 75 आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही जो नीचे वाला है वो अपना 50 आया था, 55 जो वो 50 आया था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो 55 का, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 55 का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो 200 into 125 divided by 500, बिकॉज 55 वाला रो क्या है 200, कॉलम क्या 125, तो 200 into 125 divided by 500। बहुत जन को बहुत मजा आ रहा होगा बिकॉज बचपन से पढ़ाई ऐसे गया है कि भाई फॉर्मूला बता दे, लॉजिक मत बता, चार्ट मत, फॉर्मूला बता दे केवल कोई चीज का, और जैसे ही मैच हो जाता है वैसे ही डांस, ठीक है, वैसे ही डांस। इट्स अ वेरी वेरी बैड एटीट्यूड। फॉर्मूलाज बाद में अपनाना चाहिए बट लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। हमने कैसे निकाला था बता रहा हूं, मैंने पूछा था मेल का प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम लोग बोले थे 300 by 500.6। मैंने बोला था पास का प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम लोग बोले थे 125 by 500, याद दिला रहा हूं। हम लोग किए थे मेल का प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम लोग बोले थे 300 by 500, एक कारण से लिख रहा हूं, I'm not writing 0.6। पास का प्रोबेबिलिटी क्या है 125 by 500, तो मैंने बोला था, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो तुम लोग किए थे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 300 by 500 into 125 by 500, वो 0.6 into 25%, तुम लोग का 15% आया था। फिर मैं बोला था अगर ये 15% है तो इंटू 500 कर दो, इंटू 500 तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो अगर ये कोई करेगा तो देखो क्या हुआ, 500 कट गया और क्या बचा, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय टोटल टोटल, और दुनिया में रटवाने के लिए एक फॉर्मूला पैदा हो गया, और दुनिया में रटवाने के लिए एक फॉर्मूला पैदा हो गया जिससे स्टूडेंट अपना बुद्धि लगाए नहीं और सोचे छोड़ ना यार कोई होता होगा फॉर्मूला। देर आर वेरी वेरी फ्यू प्लेसेज वेर यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, ठीक है, वे यू कांट थिंक अबाउट द इंट्यूशन, यू कांट डिराइव देम सो इजिली। डेरिवेशन कहीं कहीं पॉसिबल होता है पर इंट्यूशन तो 99% जगह पे कोई भी फॉर्मूला का आ सकता है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, आई एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट एफ ई, सर एफ ओ एफ ई एफ ओ माइनस एफ ई द होल स्क्वायर, एफ ई सिलेबस में है क्या, है इस चैप्टर में नहीं है, मैंने इस चैप्टर में एफ ओ एफ ई है, और बाद में चैप्टर जो है हाइपोथेसिस वाला उस पर काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक का टेस्ट है इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो आई बीन एबल टू कम्युनिकेट, तो हमने क्या कर लिया है अगर आप पूछेंगे तो, लेट मी टेक यू टू द कोर जस्ट वन सेकेंड। Just one second. Okay, just one second. So core में it is necessary for you to see in case you want to refer to it. It's not that you have to refer. Sorry. तो ये चैप्टर था और इसके अंदर मैंने क्रॉस सेक्शन मैंने सिखाया अभी कॉन्टिंजेंसी टेबल, तो आई एम टेकिंग यू टू द कॉन्टिंजेंसी टेबल वाला पार्ट, ये रहा समराइजिंग डेटा यूजिंग कॉन्टिंजेंसी टेबल सेक्शन 5, दिस इज द सेक्शन दैट वी हैव डन सेक्शन 5, ये हमने पूरा चाप चूप के सेक्शन किया है, ओके। इंटरप्रेट अ कंटिंजेंसी टेबल, दिस इज द पोर्शन दैट वी हैव डन। There is no question of somebody writing, sir, can you make it bigger? As if इससे क्या read करे करने वाले हैं, तो contingency table row into column, ठीक है। जैसे यहाँ पे sector लिया ये लोग 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 rows, और market cap लिया है 3, small, mid, large, 3 columns, 5 into 3,
टू वे कॉन्टिंजेंसी टेबल और उस पर ज्वाइंट फ्रिक्वेंसी वगैरह सारा चीज समझाते गए, दे हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझाया है, ठीक है, यस नो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है जो बाद में करेंगे अपने, एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल अभी क्लास खत्म होते ही इफ यू वॉन्ट यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 5, ओके सेक्शन 5 का एग्जाम्पल कर सकते हो, बोलो ये टेलीग्राम पे शेयर कर दो, यस टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, डोंट वरी, वैसे आप कोई भी जो नॉइजी टेलीग्राम चैनल होता है ना CFA लेवल 1 का नॉइजी टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन करते हो तो आपको को रीडिंग वगैरह वहां मिल ही जाएगा, तो इन दिस एरा एवरीबडी नोज हाउ टू सर्च, ठीक है, तो डोंट बी सो मच डिपेंडेंट. So I was just showing the thing to show you that we have done section 5 today. What have we done? Section 5. हमने section 5 किया है core का, of the core. मैं core share कर दूंगा telegram पे, don't worry. ठीक है, I have done section 5 of the core. ठीक है, section 5 of the core. मैंने बोल दिया फिर भी बोलते जा रहे हैं, please share. तो in that case आप पागल के जैसे बोलेंगे तो कुछ हो नहीं सकता है. अपने वी आर गोइंग टू सेट फॉर अ जूम सेशन, ओके जूम सेशन, आई थिंक लंच करके बैठते हैं जूम सेशन पे फॉर द ओनली लाइव बैच के लिए ये जूम सेशन होने वाला है. ये जूम सेशन विल नॉट बी शेयर्ड ऑन द यूलन ऐप, दिस इज जस्ट टू इंटरैक्ट विद द लाइव बैच स्टूडेंट्स. ठीक है, द जूम आईडी विल बी शेयर्ड विद यू, वी विल सेट फॉर द Zoom session at 3 PM. Okay, 3 PM pe. So I can't attend, what should I do? Don't attend, no issues. We will communicate you to you Zoom session kyo hua tha, wo written way mein communicate kar denge telegram channel pe. Theek hai, jo live batch ka telegram channel hai. Theek hai, if you can attend, please do attend 3 PM. The Zoom session will take place only for 10 minutes or 5 minutes. Par bahut kaam ka hai. Theek hai na? So in that case, 3 baje milna hai, to miliyega. Economics wali class abhi. शाम का लेने का मेरा स्कोप नहीं है बिकॉज CFA लेवल 3 का एग्जाम अगस्त में है एंड दिस पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी कि सर कुछ क्लासेस ले लीजिए, रिव्यू क्लासेस, बिकॉज CFA लेवल 3 का अभी हमारा प्लैटिनम प्रोडक्ट है नहीं, ओके केवल नॉर्मल प्रोडक्ट है, रिव्यू क्लास आर नॉट देयर, सो दे नीड सम हेल्प. और यहाँ ये नहीं होता नहीं, हम लोग से मतलब है, दैट टाइप ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिव और नॉन इंक्लूसिव मेंटालिटी डजेंट हेल्प, ओके एवरीबडी शुड गेट द बेस्ट, ओके सो आई विल शेयर द प्री रिकॉर्डेड क्लास, बट राइट नाउ दिस चैप्टर वॉज वेरी गुड, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, वील This was part one. We'll do part two tomorrow. I'm not looking at the messages. You can keep on writing whatever you are writing. Thank you. Bye.